अगला प्रश्न कि दवाओं की मात्रा आपके यहां बहुत ज्यादा है। अभी जब एक किडनी का पेशेंट हमारे पास आता है तो वो सिर्फ किडनी प्रॉब्लम से ग्रसित नहीं होता, उसके साथ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पेशाब का ठीक से न होना, एक्सेस वीकनेस, शरीर में सूजन या इस तरह के बहुत सारे और दिक्कतें और लक्षण होते हैं। किडनी केयर पैकेज या किडनी रीजनरेशन पैकेजेस आपकी किडनी को मेंटेन करते हैं, फिल्ट्रेशन को बढ़ाते हैं, डैमेजेस को मेंटेन करते हैं, लेकिन वो आपकी बीपी को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया कि एक सर्टेन टाइम के बाद, 2 से 3 कोर्स के बाद, सबकी बेसिक मेडिसिन किडनी मेंटेनेंस पैकेज चलता है, जिसका कॉस्ट एक डायलिसिस के खर्च के बराबर आता है। मगर जब तक आपकी किडनी मेंटेनेंस की हालत में जाए, हमें आपके किडनी के साथ साथ आपकी बाकी समस्याओं को भी कंट्रोल करना होता है। हमें आपके बीपी की मेडिसिन हटानी भी है, क्योंकि वो मेडिसिन आपकी किडनी को मेंटेन नहीं होने देगी, लेकिन साथ के साथ हमें आपकी बीपी की दवाओं को भी हटाना है, बीपी को कंट्रोल भी करना है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं, इंसुलिन लग रहा है, तो हमें आपकी इंसुलिन को बंद भी करना है और शुगर लेवल को कंट्रोल भी करना है आयुर्वेद के माध्यम से। तो शुरुआती दौर में चूंकि सिम्टम्स ऑफ क्रिटिकलिटीज ज़्यादा होती हैं, तो उन समस्याओं को कंट्रोल में करने के लिए कुछ मेडिसिन साथ में चलानी होती हैं, जिससे कई बार पेशेंट्स को लगता है कि दवाओं की मात्रा बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मात्रा ज़्यादा नहीं है, ये आपकी आवश्यकता है, ताकि हम जल्दी से जल्दी एलोपैथी मेडिसिन को रिप्लेस कर सकें, आयुर्वेद से आपके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकें। जैसे जैसे आपके सिम्टम कंट्रोल होते चले जाते हैं, ये मेडिसिन बंद होती चली जाती हैं, आखिरकार सिर्फ किडनी की मेडिसिन आपकी चलती है। दूसरी बात, किडनी के पेशेंट्स में मेडिसिन की जो मात्रा है, इसको कम करने के लिए हम लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, हमारी नई रिसर्च के बाद हमने किडनी पैकेज में चलने वाली, खासतौर पर वैदिक पैकेज में चलने वाली 6 से 7 या 8 मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट फॉर्म में निकाल के और एक सिंपल सिंगल मेडिसिन के रूप में चेंज किया। यानी कि अगर आपको 6 दवाई खाएंगे, उसकी जगह 1 दवाई खाएंगे, सेम रिजल्ट मिलेगा। यानी कि दवाओं की मात्रा घटाने पे हमने काम किया। ठीक, उदाहरण के तौर पे किडनी पेशेंट्स के हार्ट डिस्टर्ब है, बीपी डिस्टर्ब है, और साथ के साथ में उसका लिपिड भी डिस्टर्ब है, तो हमने एक पर्टिकुलर मेडिसिन के अंदर बीपी, उनकी लिपिड प्रोफाइल और साथ के साथ उनके हार्ट को मेंटेन करने के लिए मेडिसिन को कंबाइन किया, ताकि एक टेबलेट में आपको ये सारे गुण मिल जाए और आपका हार्ट मेंटेन हो पाए, आपकी बीपी भी कंट्रोल हो जाए। तो आज आपकी मात्रा अगर ज़्यादा है तो इसको हम कम कर सकते हैं, कई गुना कम कर सकते हैं, और आगे चल के इसको इतना कम कर सकते हैं कि सिर्फ 2 से 3 मेडिसिन अब मेंटेनेंस में खा के एक सामान्य स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। और एक सबसे आखिर बात, किडनी पेशेंट्स के केसेस में जो दवाइयों के साथ एक क्वेश्चन पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, इतनी दवा खाएंगे हमको गर्मी तो नहीं कर जाएगा, हमको नुकसान तो नहीं कर जाएगा, तो एक बात आपको बताना चाहूँगा कि एलोपैथ की खासियत है, फ़ायदा हो न हो नुकसान ज़रूर होगा, और आयुर्वेद की खासियत है, फ़ायदा हो न हो नुकसान नहीं होगा। मतलब अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो विशुद्ध आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, तो खासतौर पर बी के आरोग्यम की मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि इसका कोई नुकसान या साइड इफेक्ट आपके शरीर पर नहीं है। जिस तरह से आप दाल चावल और रोटी खाते हैं, नेचुरल रिसोर्स से उनको प्राप्त किया जाता है और आप उसको सेवन करते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होता, उसी तरह हमारी हर्ब्स को भी नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त किया गया है और इसको खाने से भी शरीर में कोई नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं होता। तो अगर आपको ये लगता है कि ज़्यादा दवाएँ खाएंगे आपको नुकसान होगा, आपके लीवर किडनी पर असर पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इन 3 स्टेप से आप अपनी दवाओं की मात्रा के सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं या अच्छे तरीके से उसको सेवन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने एडवाइजर से या अपने काउंसलर से कॉन्टैक्ट करेंगे।